इटावा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों के साथ 12 लाख के गांजे समेत 22,500 रुपए नकदी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर अपराध को रोकने के लिए सभी थानों की पुलिस को निर्देश दे दिए गए, जहां क्राइम ब्रांच टीम ऑफ फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने नेशनल हाईवे 2 पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार आते दिखा। पुलिस कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार को लेकर आरोपी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों का पीछा करते हुए कार समेत दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 लाख का गांजा समेत 22,500 रुपए नकद बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो नशीला पदार्थ का धंधा करते हैं और जगह जगह पर ले जाकर बेचते हैं। पुलिस की एक बड़ी सफलता को देखते हुए पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 का नकद पुरस्कार इनाम दिया गया। सर, पुलिस को किस प्रकार की सफलता मिली है? ये जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा उनके द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी अभियान के क्रम में एक टीम गठित की गई है, जिसमें मैं हूं और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच है और फ्रेंड्स कॉलोनी की जो टीम है उनके द्वारा भरथनार ओवर ब्रिज के नीचे से NH2 का जो सर्विस रोड है, एक संदिग्ध वाहन और वाहन की चेकिंग हो रही थी, तो इसी दौरान इटावा की तरफ से एक वाहन आया, बुलेरो कार आई तेज़ी से, उसको रोका गया। उस पर जो व्यक्ति थे उनको पूछा गया तो एक व्यक्ति वहाँ भाग गया, और जो दो व्यक्ति पुलिस टीम ने पकड़े तो उनके पास से जो तलाशी ली गई तो दो बोरे में कुल 60 किलोग्राम गांजा और जामा तलाशी में 22,940 रुपये नकद, जो उन्होंने बिक्री कर रखा था पहले से, ये मिला। और फिर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास हमारा एक पुजारी ढाबा के नाम से एक होटल है, जिसमें हम इस तरह के माल को ले जा करके वहीं से सप्लाई करते हैं, वहीं से बेचते हैं, और इस समय जो गांजा बरामद हुआ है, जो ये माल बरामद हुआ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय यदि कीमत जोड़ी जाए तो लगभग 12 लाख रुपये है होती है। और इनमें से जो दो लोग मिले हैं उसमें सुरेंद्र सिंह है और सुनील कुमार है, और इनमें से जो कुछ लोग भागे हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है, दबिशे दी जा रही हैं, और जो इनकी बुलेरो कार है और गांजा है और पैसा है, इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है फ्रेंड्स कॉलोनी में, जिसकी अपराध संख्या है 731/19 8/20 NDPS एक्ट। और इस टीम में जो हमारी टीम के फ्रेंड्स कॉलोनी और ये स्वाट टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, इनको 15,000 रुपये पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है, ये चीज़ है। वहीं सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में घलौली चेक पोस्ट पर देर रात को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां एक बार फिर पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक अन्य साथी फरार होने में कामयाब रहा। दोनों तरफ से चली फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। दरअसल दो बदमाश बाइक पर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिस पर थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, और चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक पर आ रहे दो बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो दोनों बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक एक सिपाही और बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि बदमाश का एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। घलौली चेक पोस्ट इंचार्ज वाहन चेकिंग कर रहे थे, जिसमें दो व्यक्ति जिनको रोका गया चेकिंग के लिए नहीं रुके और आगे भाग गए, तो इन्होंने साइड से सूचना दी। इंस्पेक्टर देवबंद निरीक्षण वन के पास चेकिंग कर रहे थे, तो उन्होंने उधर से घेराबंदी करके अपने रॉन्ग साइड आए, नेतारा फार्म हाउस के पास दोनों व्यक्तियों ने लेफ्ट साइड में टर्न ले लिया, रोड को छोड़ दिया, और वहाँ से जो है उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, तो हमारे एक हेड कांस्टेबल की गोली लगी है और उनके बदमाश के एक पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश के पास एक मोटरसाइकिल, 4 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद हुए। बताया जा रहा है कि बदमाश मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और हथियार सप्लाई करने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए टावा से अरविंद और सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।